लक्ष्मण सिंह ने किया चाचौड़ा कॉलेज का निरीक्षण, मिली कई सारी अव्यवस्थाएं। चाचौड़ा का विधायक बनने के बाद लक्ष्मण सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। जैसे अव्यवस्थाओं में साफ सफाई, जर्जर इमारत, लाइब्रेरी की समस्या, विषयों की आपूर्ति, स्पोर्ट्स की सामग्री आदि कई अव्यवस्थाएं सामने आई। इतना ही नहीं, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ CCE के नाम रिश्वत लेने की बात भी कही। छात्रों ने रिश्वतखोरी का आरोप कॉलेज प्रशासन के ऊपर लगाया। इन सभी बातों के बाद श्री सिंह ने 10 कंप्यूटर और लाइब्रेरी के लिए आवश्यक पुस्तकें विधायक निधि से दिलाने की बात भी कही। अभी नोट भी नहीं रखे इनके डिपार्टमेंट में, मेरा नाम लिखा उस नोटों में। अभी रिश्वत लेते हैं इस बात का, हर चीज की आज ही दिए। साधन भी नहीं मिलते ससुर के सुबह, तो हम चाहते कि हमारे भी एक हॉस्टल बने, सर्वे निकले महिलाओं का हॉस्टल। बहुत बढ़िया सुझाव, क्लास कट रही है और बढ़ाने हैं, छात्र छात्रा बढ़ेंगे और जो शिक्षण है जमीन है, नहीं अपनी जमीन है ना सर, किसी जमीन पड़ी हुई है, कितनी जमीन है? 10-12 बीघा के आसपास। 12 बीघा बहुत। क्या हुआ था आपको? मैं सीसी से रहता हूँ, सप्लाई से लेते नहीं है। फिर मैंने कहता पैसे दे। कितने रुपए मांगते हैं? 100 रुपए एक सब्जेक्ट के, हर सेमेस्टर के। इसकी शिकायत आपने किसी से की? प्राचार्य वगैरह बोला आपने इसके बारे में? बोला, सुनते ही नहीं क्या? कोई भी नहीं सुनता आपने? समस्याओं से अवगत कराया है, जैसे कि कॉलेज में स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी ठीक नहीं है और पर्स वगैरह है, बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है पूरा टूटा फूटा पड़ा है, उन सारी समस्याओं से अवगत कराया और विधायक महोदय ने यहाँ भ्रमण करके देखा भी है। अब देखते हैं उसके बाद क्या निकलता है। इसके अलावा और क्या क्या समस्या अवगत कराई आपने? और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या तो बिल्डिंग की है जो कि टूटा फूटा पड़ा है, और बच्चों की भी कई समस्याएं आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बस का इंतजाम है, और जो PG कॉलेज लग रहा है उसमें भी कई, जैसे कि अभी कई विषय हैं जो नहीं है तो उसकी भी समस्याएं बताई हैं सर को, उन सभी समस्याओं का निराकरण करें इसी करके, और क्लासेस आगे बढ़े, डिग्री कॉलेज से PG कॉलेज बने, और भी सब जगह यहाँ पे आए। IT क्लास का भी निर्माण कराने का सर ने बोला है कि IT क्लास का भी यहाँ पे आयोजन कराया जाएगा, देखें अब क्या होता है। जिस प्रकार से लाइब्रेरी की बात जो चली गई, लाइब्रेरी ऊपर कॉलेज में, इसके बाद भी मना किया गया कि लाइब्रेरी नहीं है, ऐसे क्या? लाइब्रेरी है, कार्ड भी बच्चों को दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही समस्या आती है कि बुक्स वगैरह नहीं मिल पाती टाइम पर, और बहुत सी चीज़ें हैं लाइब्रेरी से संबंधित, लेकिन अब देखें आप सर को अवगत करा दिया है, उन सारी सुविधाओं बता दी है समस्याएं। निरीक्षण में हमने प्राचार्य महोदय से चर्चा की और जो उन्होंने बताई है उनको हमने संज्ञान में लिया है, उसका समाधान निकाला। उसके अलावा हमने बच्चों से भी बात की और बच्चों ने अपने रुचि के विषय बताए हैं कि क्या क्या वहाँ चाहिए। हमने कहा है IT भी होना चाहिए, IT के बिना आजकल शिक्षा अधूरी रहती है, और कंप्यूटर की कुछ कमी है तो हमारी विधायक से कंप्यूटर नहीं है, एक स्टेडियम भी यहाँ बच्चों के लिए होना चाहिए। ये सारी बातें आज पहली हमारी बैठक और जनभागीदारी की बहुत जल्दी थोड़ा कॉलेज को ऐसा बना देंगे जिससे कि बच्चों को ये नहीं लगे कि अरे मैं इंदौर में पढ़ता तो और अच्छा होता, जो पढ़ाई इंदौर या ग्वालियर या भोपाल में हो रही है वही पढ़ाई हम चाचौड़ा में कराएंगे, और आगे चल के बढ़िया एक IT का कॉलेज भी खुलवाने का हमारा वादा। सर अभी जिस प्रकार कुछ बच्चों ने बताया कि कॉलेज में CC को लेकर पैसे वगैरह लिए जाते हैं, इस प्रकार क्या कदम उठाया जाए? अब ये स्कूल प्रबंधन देखेगा और उसका निराकरण करेगा। सर शिक्षा को लेकर जिस पर आपने अपनी कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र दिया था उसमें अतिथि शिक्षक के लिए वचन पत्र दिया है उसको पूरा करेंगे, करना हमारा दायित्व है। चाचौड़ा से ग्राउंड रिपोर्टर शिवम नामदेव की रिपोर्ट।